तो जय हिंद दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फाइनली एक मंथ पूरा होने से पहले ही इजराइल ने ईरान से बदला ले लिया है। सैकड़ों फाइटर जेट ईरान की धरती पर उतार दिए हैं। पूरा ईरान थर थर कांप रहा है और अब ईरान के अंदर इस भयंकर मंजर को देखकर खाड़ी के मुस्लिम देशों में भी हड़कंप मच गया है कि आखिर इजराइल ने कर क्या दिया है। आपको बता दें कि ये इजराइल का बदला है जिसको लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई थी कि इस बार ईरान पर वो हमला होगा जिसे ईरान कई सदियों तक याद रखेगा। यानी कि अब वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है और इजराइल का ईरान पर यह हमला बिल्कुल 1981 का अटैक की तरह ही है, क्योंकि इस बार इजराइल के 100 फाइटर जेटों ने ईरान में तबाही मचा के रख दी है। अब इसी वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे आखिर अब तक ईरान में हुआ क्या क्या है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस महीने के स्टार्टिंग में ही ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया था जिसमें ईरान की तरफ से तकरीबन 200 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा गया था जिसमें ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल थी। और इस हमले के बाद इजराइल के जो राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कसम खाई थी कि इस बार इजराइल ईरान पर जो हमला करेगा उसे ईरान कई दशकों तक नहीं भूल पाएगा। और अब हुआ भी बिल्कुल वैसा ही है। इजराइल की तरफ से एक बड़ा ईरान पर अटैक किया गया है जो ईरान के बीचों बीच किया गया है और इस बार ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो भी बिल्कुल फेल हो गए हैं और इजराइल के फाइटर जेटों के सामने धराशायी हो गए हैं और इसे कहते हैं घर में घुस के मारना। अब सबसे पहले आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि इजराइल कंडक्ट्स प्रीसियस स्ट्राइक्स ऑन ईरान एक्सप्लोशंस हियर्ड अराउंड तेहरान। यानी कि इजराइल ने ईरान के अंदर एक बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया है और इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक इतनी भयानक थी कि ईरान की राजधानी तेहरान के चारों ओर इस हमले की आवाजें गूंज रही थी, क्योंकि इजराइल ने इस बार ईरान के मिलिट्री फैसिलिटी को ही टारगेट किया है जिसने ईरान ने रशिया से मंगवाए S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तक शामिल है। यानी कि इजराइल की तरफ से ईरान पर जो एयर स्ट्राइक की गई है वो ईरान के बिल्कुल मिडिल में जाकर की गई थी और ईरान के अंदर इजराइल की एयर स्ट्राइक से जो तबाही मची है, जो तबाही की जो सैटेलाइट की तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। और ये सब ऐसे समय पर सामने आ रहा है जब ईरान ने कहा था कि उसने इजराइल की एयर स्ट्राइक को कहीं हद तक डिफेंड कर लिया है, लेकिन अब सैटेलाइट की तस्वीरों से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ईरान के अंदर इजराइल ने भयंकर तबाही मचाई है। और हैरानी की बात तो यह कि इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी टारगेट किया है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि सैटेलाइट फोटो शो इजराइल हिट ईरान फॉर्मर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट बिल्डिंग मिसाइल फैसिलिटीज रिसर्चर्स एज। यानी कि इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया है उसकी जो सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हैं, तो उन तस्वीरों में ये साफ दिखता है कि इजराइल ने ईरान की जो पुरानी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट की जो बिल्डिंग थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है, यहाँ तक की जो मिसाइल फैसिलिटीज थी उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इजराइल ने इस बार ईरान के सीक्रेट टारगेटों को ही डिस्ट्रॉय किया है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।